वेलकम टू यूट्यूब स्टडी, माई सेल्फ दिनेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2020 का मॉडल पेपर का पूरा सलूशन लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका 70 में से 60 नंबर कोई नहीं ले जा सकता है, क्योंकि इसमें हम आपका पूरा सलूशन लेकर आ चुका हूं। बस आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको यहां से पूरा आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और जितना भी डर है सामाजिक विज्ञान में की तैयारी अभी तक नहीं कुछ भी किए हैं, तो यहाँ से आप केवल मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो काफी क्वेश्चन हर साल सामाजिक विज्ञान में एकदम सेम टू सेम फंसते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और ये जो सेट है 2020 का सेट 1 है, अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो बीच में मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। वो कौन सा होगा, अगर वीडियो को बीच से छोड़कर चले जाते हैं तो वो आपको मतलब मिल नहीं पाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो काम आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आपको बताने वाला हूँ कि बीच में क्या देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए इतना ज्यादा कि आपको मॉडल पेपर 2 सेट आपको 1 बजे तक ला दूं, क्योंकि अभी सुबह सुबह हो रहा है और आज ही वो टाइम है। पूरा आपका सेट लगवा दूं 2 सेट, ठीक है। आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चलिए अंत तक बस देखते रहना और इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी साइंस का कराने वाले हैं, इसके बाद संस्कृत का भी कराएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लेना। चलिए आपको पूरा मैं तैयारी के साथ बता देता हूँ पूरा अच्छे से। देखिए 2020 का ये मॉडल पेपर 19-20 लिखा है, बस 20 का है, ठीक है। देखिए सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 70 नंबर आप पढ़ लिए होंगे, 3 घंटे 15 मिनट ये टोटली आप तो जानते हैं। और ये मैं हर एक पेपर में बताता हूँ कि 15 मिनट जो टाइम मिलता है इसको आप जरूर घर पे इसको पढ़कर ही जाना, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद लिखा है इसमें निर्देश, ये निर्देश आपने से समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क व ख में यानी कि विभाजित होता है, यानी कि बंटा होता है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना जरूरी है, यानी कि आवश्यक है। अब देखिए प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ करना चाहिए, और मतलब कह रहा है इसमें। दूसरा कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित यानी सामने दिए गए हैं। और तीसरा है प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी भी आएंगे, यानी कि बहुविकल्पी से 6 क्वेश्चन आएंगे, अति लघु आएंगे और लघु उत्तरी आएंगे और विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश भी नीचे दिए गए हैं। पूरा अच्छे से इसको पढ़ लेंगे आप अपने घर पे, ठीक है। तब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं खंड से स्टार्ट करते हैं, यानी खंड क से। तो आप देख लीजिए यहाँ खंड क से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले कि आपको एक छोटा सा मोटिवेशन क्विज देना चाहता हूँ, सुनिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, जिनके सपनों में जान होती, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप क्लास 10th के छात्र हैं, आप इस मोटिवेशन क्विज का मतलब समझ सकते हैं कि पढ़ाई देखिए कितने करना है, मतलब इसका मतलब यूज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस क्विज से सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर खंड क है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, निर्देश आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही, और देख लीजिए कि एक प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रीप्रिंट मैं कर दिया था, दोबारा प्रिंट कर दिया था, यहाँ पे उत्तर गया, इससे मतलब नहीं, बस क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। लिखा है कि रिंडर पेस्ट क्या था, यानी रिंडर पेस्ट क्या था, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, इस ऑप्शन से आपको पूरा बताना होगा कैसे कैसे तैयारी चलेगी। और यहाँ पे आपको पूरा भर के बताऊंगा और अंत तक बने रहना, क्या वो बताए थे कि देने वाले हैं, ठीक है। लिखिए अ नंबर लिखा है मछली रोग, पुरुष रोग, पशु रोग, स्त्री रोग। तो देखिए रिंडर जो पेस्ट है वो क्या था, तो एक पशु रोग था। क्या है, पशु रोग। आप तैयारी किए होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा पशु रोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले खंड क डालेंगे बोर्ड एग्जाम में और तब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे करके। और यहाँ पर देखिए आपका जो पहला का मतलब किस नंबर यानी स नंबर सही है पशु रोग, तो यहाँ पे स नंबर लिखेंगे ब्लैक पेन से इस तरीके से स नंबर, और इसका आंसर लिखेंगे पशु रोग, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर आपको प्रेजेंट करना है, इस तरीके से लिख देंगे। अब आगे इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 नंबर लिखा है इसमें कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था, उसका नाम था कौन सा, मतलब कहां पे पहुंचा था, तो वहां पे बताना है। भारत में पहुंचा था कि अमेरिका में कि जर्मनी में कि इंग्लैंड में। तो देखिए यहाँ पे जो क्रिस्टोफर जो था कोलंबस गलती से कहाँ पे पहुंच गया था, तो वो अमेरिका में, जापान में जाना चाहता था, लेकिन वो व्यापार करता था, मतलब कि इधर से उधर जाता था व्यापार करता था, जाना चाहता था मतलब कि कहाँ पे, जापान, लेकिन गलती से कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। तो इसका आंसर यहाँ पे मतलब कि कौन सा सही है, यानी ब नंबर। तो यहाँ पे ब नंबर लिखना है, ठीक है, समझ लीजिए।
आज भर केवल टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं है। वन नंबर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमेरिका, तो इस तरीके से अमेरिका लिख देंगे इसका आंसर। बस पूरा देखते रहिए अंत तक। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीन नंबर कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, देखिए बहुजन समाज है कि क्रांतिकारी है कि समग्र मानवतावाद है कि आधुनिकतावाद। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो प्रेरक सिद्धांत था क्या था, तो आप भी इसका आंसर बता सकते हैं चाहेंगे तो मैं चलिए बता देता हूं इसका क्या था, क्रांतिकारी, बी नंबर सही है, ठीक है ना। कौन है क्रांतिकारी, इसको क्रांतिकारी लोकतंत्र भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यही लिखा है क्रांतिकारी, यहाँ पर लिख देंगे क्या क्रांतिकारी, यहाँ पर बी नंबर सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या जैसे ऑप्शन में दिया वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चार नंबर लिखा है, आपसे भी एक टेस्ट लेने वाला हूं, इसी में से क्वेश्चन कोई आंसर दीजिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में कि जर्मनी में कि फ्रांस में कि इटली में। तो देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर शुरू हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में। तो देखिए इंग्लैंड में हुई थी, कहां पे, इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो अ है चार का, यहां पर ऐसे डालना है, ठीक है, अ यहां पर डाल देंगे ऐसे, और यहां पर इंग्लैंड लिखेंगे, इंग्लैंड, ठीक है, ऐसे करके और इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, यहां पर लिख दिए इंग्लैंड, आप देख सकते हैं इंग्लैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर कि लोकतंत्र की सफलता में बाधक नहीं है, मतलब लोकतंत्र में जो उठते हैं, लोकतंत्र की सफलता पाने के लिए उसमें क्या चीजें बाधक नहीं है, क्या उसमें बाधा नहीं डालती है, निर्धनता की, निरक्षरता की, सांप्रदायिकता की, जागरूक जनमत। तो समझ लीजिए कि निर्धनता मतलब जो कमी होती है, गरीबी होती है, निरक्षरता मतलब जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं, सांप्रदायिकता, जागरूकता, इसमें से लोकतंत्र की सफलता में बाधक कौन सी चीजें नहीं डालती है, तो यही बता दीजिए आप कमेंट करके। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जो बच्चे तैयारी किए हैं तो उसका कमेंट करके आप बताइए, मैं सबका देखूंगा कौन कौन से बच्चे तैयारी किए हैं और कौन सी वीडियो देख रहे हैं, तो वो कमेंट जरूर करें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर छह लिखा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो देख सकते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, जेम्स हरग्रीव्स, और लिखा है कि रिचर्ड आर्कराइट और जॉन के और एडमंड कार्टराइट। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्पिनिंग जो थी ना, स्पिनिंग जो सूत काटने वाली, जो महात्मा गांधी भी एक बार सूत काटते थे, देखे होंगे मशीन, वही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, यानी सूत काटने वाली, कपड़ा जो बुनती है सूत काटने वाली, तो उसका आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कौन, यानी अ नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं यानी सही है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। और पांचवा नंबर का कमेंट करके और बताइएगा जल्दी से, मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर अ नंबर सही था ना, छह नंबर का, यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखे थे, जेम्स हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स, हरग्रीव्स है, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। अब चलते हैं अति लघु, आप ध्यान दीजिए अति लघु में चल रहे हैं और आपको पूरा बताएंगे, लिखा है अति लघु उत्तरी एक एक नंबर का, ये देखिए सात नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको दो नंबर मिलेगा, केवल सात नंबर करेंगे तो दो नंबर मिलेगा, इसके बाद देखिए एक एक नंबर, यानी कि किन्हीं दो राष्ट्रीय राजनैतिक दलों का नामोल्लेख कीजिए, नामोल्लेख कह रहा है ना, तो नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो कि नहीं दो राष्ट्रीय राजनैतिक दलों का, राष्ट्रीय राजनैतिक दल का नाम याद है कि नहीं आपको, देखिए दो कर रहा है, एक पर एक नंबर मिलेगा और एक करेंगे तो एक, यानी कि दो करेंगे तो दो नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका मैं बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या सात का और सात का एक और दो करके, यानी दो पूछा है तो दोनों डालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं क्या, देखिए राष्ट्रीय दल भी हो सकता है, एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल, और दूसरा अगर हम देखें तो सर्वदलीय भी कह सकते हैं या राज्य दल भी कह सकते हैं, यानी बहुत सारा दल बनाया गया है, राज्य राज्य दल, क्योंकि इसका लिस्ट है, इन सारे दल का क्या है, लिस्ट है, वहां से आप किसी लिस्ट को में से उठाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा है कि जाबर कौन थे, होते थे, देखिए जाबर कौन होते थे और उनका क्या कार्य था, यानी जाबर कौन होते थे, एक नंबर, उनका कार्य क्या था, एक नंबर, यानी एक एक नंबर, दो नंबर, इसका आंसर आपको दिखा रहा हूं,
जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 का आंसर ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और पूछ रहा है कि जाबर कौन होते थे, उनका कार्य क्या था। तो देखिए पहला लिखेंगे उत्तर कि जाबर कोई पुराना और विश्वासत कर्मचारी होता था। ठीक है, क्या होता था? विश्वासत कर्मचारी। एक बार देखिए, जाबर कोई पुराना और विश्वासत कर्मचारी होता था। ठीक है, और कह रहा है कि उनका कार्य क्या होता था, कार्य क्या, तो लिखेंगे कि वह मदद के बदले, क्या लिखेंगे कि वह मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करते थे। ठीक है, और मजदूरों की जिंदगी नियंत्रित करते थे, अपने कब्जे में करते थे। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, पूरे अंत तक देखते रहिए। और अपने दोस्तों को इस चैनल का, जो यूट्यूब स्टडी चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जब एग्जाम देने जा रहे हैं सेंटर पे, बता दीजिए कि यूट्यूब स्टडी पे सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, हम भी करते हैं, आप भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे बोल देना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। तो देख सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है इसमें, जो कि यहाँ से ये दो दो नंबर के थे, जो हम अति लघु उत्तरी बता रहे थे, तो दो दो नंबर के। तो शपथ पत्र किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, शपथ पत्र किसे कहते हैं। काफी क्वेश्चन लड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल पेपर से। इसका आंसर देखिए 9 नंबर का लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9 ऐसे लिखेंगे। और देखिए इसका आंसर देंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं दे रहा हूं कि किसी व्यक्ति या उसके ऊपर निर्भर व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा पूर्व की गई किसी तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, फिर से देखिए, किसी व्यक्ति या उसके ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी व्यक्ति के बारे में ऊपर निर्भर व्यक्ति द्वारा, निर्भर जो व्यक्ति है उस पर, उसके द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा पूर्वक, स्वेच्छा के अनुसार ही उसके जो पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, की गई किसी तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं। इसका आंसर आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि शहरीकरण से क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिए, यहां से 3 नंबर स्टार्ट हो रहा है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु में 3 नंबर का आएगा। और यहां से देखिए, शहरीकरण से क्या तात्पर्य, यहाँ से दो दो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई एक याद कर किए होंगे तो कोई लिख सकते हैं। शहरीकरण से आप क्या तात्पर्य है, और अथवा में भी लिखा है कि समरूप समाज किसे कहते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे, याद हो, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे पहले को मैं बता देता हूँ, एक एक को बताऊंगा क्योंकि तो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, ठीक है ना। शहरीकरण से आप क्या मतलब तात्पर्य या मतलब है इससे, तो चलिए इसका आंसर देखिए 10 नंबर का, जैसे आप देख सकते हैं 10 नंबर, इसका दो आंसर बताऊंगा 10 नंबर का केवल, ठीक है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए लिखा है कि शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, ध्यान समझिए, शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार यानी कि जनसंख्या, भौतिक विस्तार यानी कि जनसंख्या और आदि का विस्तार, है ना, आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। ये अगर थ्योरी समझ नहीं आ रही है परिभाषा, तो ये दूसरा भी देख लीजिए, उसी का है, अथवा मैंने बता रहा है इसलिए अथवा वाला का आंसर नहीं है, इसी का है, ठीक है। कि यह एक वैश्विक परिवर्तन है, क्या है, वैश्विक परिवर्तन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना ही क्या कहलाता है, यानी कि शहरीकरण। यानी कि मान लीजिए कि आपके फादर हैं या आपके ब्रदर आपके घर से जाते हैं गांव से, कहाँ पे, शहर में काम करने के लिए फैक्ट्री में, तो वहां पे रहने लगते हैं, तो वही उनका क्या हो जाता है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर में जाकर रहना और काम करना भी क्या कहलाता है, शहरीकरण। समझ में आ रहा है, आप इस तरीके से बनाकर भी लिख सकते हैं। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इसमें कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो अथवा में लिखा है कि मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए मैंने तो अथवा वाला इसका नहीं बताया, लेकिन अब देखिए एक अथवा वाला भी बता देते हैं, कि अगर बोर्ड एग्जाम में ये वाला नहीं आ रहा और ये अथवा वाला आ रहा है, तो कैसे इसका प्रश्न उत्तर डालेंगे। तो मान लीजिए कि ये तो बहुत ईजी है, इसका बता रहा हूँ कि मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, जो कि 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका 11 नंबर का ऐसे आपको एक मतलब डालना है हेडिंग, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे अथवा में करना है, हमें अथवा कर रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या 11 नंबर का अथवा, तो यहाँ पर लिखा है अथवा का कि मुद्रण क्रांति का प्रभाव, यही ना, मुद्रण क्रांति का प्रभाव यानी संस्कृति छोड़ दिया हूँ पे, मुद्रण संस्कृति क्रांति का प्रभाव यहाँ पर लिखेंगे क्या पड़ा। तो पहला नंबर पड़ा था कि इसने लोगों की जिंदगी बदल दी, मुद्रण संस्कृति क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, पहला नंबर कि इसने लोगों की जिंदगी बदल दी, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा है
संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता प्रभावित हुआ। क्या हुआ? संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता जो था क्या हुआ, प्रभावित हुआ। थर्ड नंबर जो है, इससे लोक चेतना बदल, देखिए बादली, एक बार फिर समझिए कि इससे लोक चेतना बदली और वस्तुओं को देखने का नजरिया भी बदला। तो इससे यही प्रभाव पड़ा किससे, एक बार फिर समझ लीजिए कि मुद्रण संस्कृत का फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो तीनों आप इस तरीके से लिखेंगे, 3 नंबर पा जाएंगे। चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखते हैं। लिखा है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में मुख्य अंतर क्या है, इससे 2 उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब ये देख लीजिए, 6 नंबर वाले क्वेश्चन है और इसमें आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपको बताएंगे। और अगर ये नहीं आपको आ रहा है तो अथवा में भी दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे रीप्रिंट कर दिया हूं। तो चलिए मैं समझा रहा हूं क्या लिखा है। लिखा है सामाजिक अंतर। क्या लिखा है? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। यहां समझ में आ रहा है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। तो मान लीजिए कि इसका ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो इसका आंसर छोटा हो रहा है, तो कौन सा करेंगे आप? छोटा वाला करेंगे ना। तो छोटा वाला को मान लीजिए कि छोटा है, तो इसका बता दे रहा हूं कि लंबी वीडियो ना हो और आपका काम भी हो जाए, यानी कि तैयारी से ही ना मतलब है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का कर रहे हैं तो अथवा वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पर अथवा जरूर डालिएगा, ठीक है ना। ऐसे अथवा वाला डालेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हेडिंग क्या है कि सामाजिक, यहाँ पर ये नहीं है अंतर। तो देखिएगा, अगर आपको गलती हो जाता है बोर्ड एग्जाम में, कोई लाइन लिख रहे हैं गलती हो गया वो लाइन, तो आपको इस तरीके से भाड़ भूड नहीं करना जैसे मैंने किया है। केवल सिंपल सा आपको मैं यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है, कोई चीज लिखा है, एक बार उस पर इस तरीके से चला देना है बस। अब उस पर ज्यादा काट कूट नहीं करना है, ठीक है। सामाजिक अंतर निम्न प्रकार से सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। कैसे ले लेता है, तो ये चीजें जरूर समझिए क्योंकि 6 नंबर का है, कैसे बनाकर लिख भी सकते हैं अगर इस तरीके से मैं बता रहा हूं तो, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का एक रूप नहीं ले सकता। समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक सामाजिक जी, और देखिए अंतर जैसे कि प्रजाति, धर्म, जाति, रंग, भाषा आदि, ठीक है। जब कुछ सामाजिक अंतर और सामाजिक अंतरों से सेट से साथ मिला लेते हैं तो सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। और इसमें क्या लिखना है, क्योंकि 6 नंबर का है, थोड़ा सा बड़ा, तो इसका आंसर लिखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ, जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे से मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पर, जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे से, सामाजिक अंतर से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो यह सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। और यहाँ पर हम अमेरिका के क्षेत्र, जैसे क्षेत्रों तथ्य और क्षेत्रों का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि इन दोनों समूहों में एकमात्र अंतर प्रजाति का है। क्या है? प्रजातिया का है, ठीक है ना। जैसे कि अश्वेत लोग निर्धन तथा बेकार है, ठीक है। तो यह सामाजिक विभाजन बन जाता है। मतलब कि इतना अगर आप लिख लेते हैं तो आपको यहाँ पर 6 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और अंत तक की बने रहिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या है इसमें। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन इसमें देख लीजिए क्या लिखा है। इसमें रीप्रिंट हो गया है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सिम पढ़ करके। इसे 13 नंबर लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। इतना लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। था इसका आंसर तो बहुत छोटा है लेकिन 6 नंबर का है। और दूसरा भी इसमें लिखा है अथवा में कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय का प्रक्रिया, और लिखा है कि उपनिवेश वाद विरोध आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो देखिए इसमें से मान लीजिए ये बड़ा है इसका आंसर, लेकिन इसका छोटा है, तो मैं जो छोटा है इसका बता दे रहा हूँ कि अभी अगर ये आता है तो छोटा वाला कर लीजिए, और बड़ा वाला इसका मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ तो अपने क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ सकते हैं। अभी 14 नंबर जो मानचित्र वाला वो भी बताऊंगा कैसे सभी चीजें। बस इसका आंसर देखिए, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि 13 नंबर यहाँ पर करना है, ठीक है। 13 नंबर का जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालेंगे इस तरीके से, और लिखेंगे 13 नंबर का फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं
आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो सत्रह सौ नवासी से 1799 तक चली थी। समझ पा रहे हैं आप कि फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो कितने सन से, सन 1789 से 1799 तक चली थी। और इस क्रांति ने, देखिए इस क्रांति ने यहाँ पर केवल, यहाँ पर है ठीक है ना, इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु बल्कि समस्त यूरोप के जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। यही इससे प्रभाव पड़ा था, इससे यही ना पड़ा था। क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर आपको वैसे ही देना है, टू द पॉइंट, ज्यादा कॉपी भरने की कोशिश नहीं करना है। आपका एग्जामिनर नंबर काट देगा तो फिर कमेंट नहीं करना है ठीक है ना। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, तो ये तो हमारा तो पिछला, लेकिन 13 नंबर का ये है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको ये बता दी। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानचित्र कार्य वाला। तो मानचित्र कार्य वाला का वीडियो मैं स्पेशल बना दिया हूँ, अभी तक नहीं देखे ना, तो यहाँ पर देखिए पेन की नोक पे आई बटन चल रहा है, यहां से भी क्लिक कीजिए और मानचित्र वाली वीडियो जरूर देखिए। और सबसे पहले नंबर बात करूं तो मानचित्र की, यहाँ पे केवल 5 नंबर इसमें खंड क से और खंड ख में 5 नंबर का वो भी मानचित्र आता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 14 और खंड ख में क्वेश्चन नंबर 28, 5 5 नंबर के दोनों, यानी कि 10 नंबर की केवल एक वीडियो बनाया हूँ जो अभी बटन पे, आई बटन पे मैं दे रहा था लिंक। और बात करते हैं खंड ख की, तो खंड ख की वीडियो बस आपको लेकर आ ही रहा हूँ, बस 1 घंटे के अंदर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मानचित्र की अगर दूसरी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और ला रहे हैं जल्दी से नया वीडियो, क्योंकि आज दिन भर में 5 6 ठो वीडियो एग्जाम चैनल पे जाने वाली है सामाजिक विज्ञान की, और आपके विज्ञान की भी वीडियो आ रही है। तो और जो लास्ट में बता रहा था कि आपको क्या देने वाला हूँ, तो हाँ सुन लीजिए, ये जो मैंने पढ़ाया ये सारे, इसका पीडीएफ मैं दे देता हूँ लिंक में, यानी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कीजिएगा और तैयारी बेस्ट कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।